बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्डप्रेस प्लगइन्स के बारे में। अगर आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट, अगर आप ब्लॉग से ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपको किन प्लगइन्स का यूज करना चाहिए अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे, या जो होने ही चाहिए आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में, ठीक है, उन सबके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन हर प्लगइन का यूज भी बता दूंगा, हर प्लगइन की क्यों रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन्स की लिस्ट में आ जाता है आपका WP Forms for Contact Form। अगर आपको अपनी वेबसाइट पे, अगर आपको अपनी वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट फॉर्म लगाना है, क्या फॉर्म लगाना है, कॉन्टेक्ट फॉर्म लगाना है, तो आप क्या कर सकते हो, WP Forms का सहारा ले सकते हो। WP Forms की मदद से आप बहुत इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप से आप क्या कर सकते हो, आप आराम से एक कॉन्टेक्ट फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको इसका लुक भी बता देता हूँ, कौन से मैं WP फॉर्म की बात कर रहा हूँ। सिंपली आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड को मैंने लॉग इन कर लिया है, लॉग इन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड बार में प्लगइन्स एंड देन ऐड न्यू प्लगइन, ऐड न्यू करते हो, आपको यहाँ पे WP फॉर्म्स का इतना बढ़िया वर्जन मिल जाएगा, इतना बढ़िया आपको प्लगइन मिल जाएगा। लो कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 भी बहुत फेमस यूज होता है, फॉर्मिनेटर नाम का प्लगइन भी बहुत यूज होता है, WP Forms भी बहुत यूज होता है, आपको जो भी बढ़िया लगे आप वो कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर बार मैं WP Forms या Contact Form 7 ही यूज करता हूँ। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन। दूसरा आप क्या आता है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन की लिस्ट में आता है WP Form Google Sheet Connector। क्या है Google Sheet Connector, मतलब कि आपके कॉन्टेक्ट फॉर्म को गूगल शीट से लिंक करना, मतलब कि जब भी कोई फिल करे कॉन्टेक्ट फॉर्म, जब भी कोई आपके वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल करे, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ आ जाए, गूगल शीट में अपडेट होते रहे, कैसे होगा, गूगल शीट कनेक्टर नाम से प्लगइन आता है। जैसे कि आप, मैं यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है गूगल शीट कनेक्टर, क्या सर्च करना, गूगल शीट भी आप लिखोगे आपको तब भी ये प्लगइन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने वेबसाइट पे CF7 यूज कर रहे हो, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 यूज कर रहे हो, तो उसके लिए गूगल शीट कनेक्टर प्लगइन ये है। अगर आप अपनी वेबसाइट WP फॉर्म से बना रहे हो, आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म WP फॉर्म से बन रहा है, तो ये आपका कनेक्टर प्लगइन है। अगर आप निंजा फॉर्म से बना रहे हो, निंजा फॉर्म से आपने कॉन्टेक्ट फॉर्म बना रखा है, तो उसके लिए कनेक्टर प्लगइन कौन सा, ये है। ठीक है, जो भी आप प्लगइन का यूज कर रहे हो उसके हिसाब से रेलेवेंट कनेक्टर फॉर्म आपको, कनेक्टर प्लगइन आपको डालना है। ठीक है, ताकि आप एक ऑर्गेनाइज मैनर में सारे कॉन्टेक्ट फॉर्म्स को देख सको, सारे इंक्वायरीज को हैंडल कर सको। ठीक है, अगले मोस्ट इंपोर्टेंट प्लगइन की लिस्ट में आता है SMTP। अब देखो कॉन्टेक्ट फॉर्म भरा है तो SMTP भी आपको करना चाहिए। SMTP आपकी ईमेल नोटिफिकेशन कहीं वो स्पैम में ना जाए, ईमेल जब भी कोई फिल कर रहा है आपको रिसीव तो हो रहा है मेल, बट वो स्पैम में जा रहा है। क्यों वजह है, आपने सक्सेसफुली SMTP कॉन्फिगर नहीं किया, तो SMTP भी आप कर लीजिए। SMTP के लिए बहुत सारे फेमस प्लगइन्स है, जिसमें कि आपको यहाँ सिंपल सर्च करना है SMTP सर्च करोगे आपको WP SMTP का बहुत फेमस प्लगइन मिल जाएगा। इसके अलावा पोस्ट SMTP भी बहुत अच्छी तरह से लोग यूज करते हैं। फ्लुएंट फॉर्म्स जो है उसका SMTP भी, फ्लुएंट नाम का SMTP है। ठीक है, कोई भी एक SMTP को यूज कर लो और उससे आप क्या कर लो, SMTP कन्फिगर कर लो। ठीक है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन की लिस्ट में आता है हमारे पास टेबल प्रेस। टेबल प्रेस से हम टेबल्स को कैसे क्रिएट करें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। क्या आपको मैं एक वेबसाइट दिखाता हूँ, उसमें मैंने क्या कर रखा है, एक मैंने डमी क्या कर रखी है, टेबल क्रिएट कर रखी है। ठीक है, डमी मैंने एक पेज पे मैंने क्या कर रखा है, टेबल को डमी क्रिएट कर रखा है। आपने बहुत बार वेबसाइटों पर देखा होगा इस तरह की टेबल्स आपको दिखती है, इस तरह के टेबल्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस ब्लॉग में। क्या वर्डप्रेस ब्लॉग में आप कैसे टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो, वर्डप्रेस ब्लॉग में कैसे टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो, जैसे इंटरनल लिंकिंग के पर्पस से बहुत बार यूज होता है SEO में, इंटरनल लिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने, एक मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ इसका कहाँ यूज होता है SEO में, मैंने इसके बारे में डिटेल में बता रखा है। आपका एक मास्टर पेज है, मास्टर पेज का नाम है फॉर एग्जाम्पल आप डेंटल सर्विसेज देते हो। ठीक है, डेंटल सर्विसेज के रिगार्डिंग आपका ब्लॉग है, एंड डेंटल सर्विसेज इन दिल्ली आपका क्या है, डेंटल सर्विसेज इन दिल्ली आपका क्या है, मास्टर पेज है। क्या आपका क्या है, मास्टर पेज है डेंटल सर्विसेज इन दिल्ली। आप इस पे क्या चाहते हो, रैंकिंग चाहते हो। अगर आप इस पे रैंकिंग चाहते हो तो डेफिनेटली सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके साइलो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आपको अलग अलग क्या करना है, अलग अलग
एरियाज को कवर करना है। जैसे कि आपने एक ब्लॉग डाल दिया डेंटल सर्विसेज इन दिल्ली के अंदर, क्या अब किसमें आप साइलो इसको डिवाइड करोगे, मैंने साइलो के क्लासेस में डिटेल में बना रखा है। डेंटल सर्विसेज इन रोहिणी आप क्या करोगे, डेंटल सर्विसेज इन प्रीतमपुरा आप क्या करोगे, डेंटल सर्विसेज इन एनएसपी नेताजी सुभाष प्लेस आप क्या करोगे, डेंटल सर्विस इन जनकपुरी आप इस तरह के अलग अलग क्या डालोगे, ब्लॉग्स डालोगे अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग्स डालोगे। अब इन सब ब्लॉग्स के लिए क्या बनाओगे, एक मास्टर पेज बनाओगे, बहुत बढ़िया बात है, मास्टर पेज जो कि रहेगा डेंटल सर्विसेज इन दिल्ली के नाम से रहेगा मास्टर पेज। और आप क्या करोगे, इस पेज पे सबका सबका क्या करोगे, लिंक मेंशन करोगे, लिंक मेंशन करोगे। तो कैसे करोगे भाई, इतनी बढ़िया टेबल बनाओ उसके थ्रू करो ये, ठीक है। तो टेबल प्रेस से हम इसका बहुत अच्छी तरह से टेबल प्रेस से यूज होता है। इसके बाद जो हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्लगइन की लिस्ट में आता है वो की है इजी टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट अगर आपको बनाना हो, अगर आपको क्या करना हो, टेबल ऑफ कंटेंट अगर आपको अपनी वेबसाइट पे टेबल ऑफ कंटेंट लगाना हो, अपने ब्लॉग पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट लगाना हो, वो आप लगा सकते हो, ठीक है। देन टेबल ऑफ कंटेंट इज जस्ट लाइक अ इंडेक्स ऑफ योर पेज, इंडेक्स ऑफ योर पेज। आपके पेज पे, आपके पेज में बहुत सारे H2s होते हैं, H3 होते हैं, अगर आप उन सबको, उन सब के बारे में पहले ही अपने पेज पे मेंशन कर दो, पहले ही पेज पे मेंशन कर दो और जब भी कोई बंदा आपके उस पे क्लिक करता है तो वो रीडायरेक्ट हो जाए स्पेसिफिक सेक्शन में। तो ये क्या हो सकता है, किसकी मदद से होगा, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो में बता रखा है, टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन के बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो में बता रखा है, जो कि इसकी सेपरेट वीडियो है कि आप कैसे कॉन्फिगर कर सकते हो इसे, तो वो वाली वीडियो देख लेना, इजी टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन की मदद से कर सकते हो। एक्सिसमेट ये वाला एक प्लगइन होता है जो कि आपके स्पैम प्रोडक्शन से बचाता है। वर्डप्रेस में बहुत सारे लोग स्पैम आ जाते हैं, जैसे कि स्पैम कॉमेंट्स आ जाते हैं, बहुत ऐसा इशू है जो कि हर कोई ब्लॉगर फेस करता है। उसके लिए क्या, आपको ये प्लगइन कॉन्फिगर करना चाहिए, ये प्लगइन आपका यूज होना चाहिए, ठीक है। WPS साइट क्या है, दुनिया की सारी वेबसाइट WP एडमिन से ही गुजरती है, दुनिया की सारी वर्डप्रेस वेबसाइट किससे गुजरती है आपका WPS, आपके किससे गुजरती है, WP एडमिन। अब देखो WP एडमिन से खुल रही है तो कहीं ना कहीं वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए रिलेटेड इश्यू है, क्या वेबसाइट की सिक्योरिटी, कोई बंदा आराम से अगर गलती से लॉग इन कर दिया तो आपकी सारी मेहनत को कबाड़ खाने में बिटा देगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, आप WP एडमिन को कस्टमाइज कर दो, अपने लॉगिन लिंक को कस्टमाइज कर दो, लॉगिन अपने वर्डप्रेस लॉगिन लिंक को कस्टमाइज कर दो, लिख दो WP केशव, ठीक है, आपने कस्टमाइज कर दिया इस तरह से, ठीक है। कैसे कर सकोगे, WPS हाइट की मदद से, ये वाला प्लगइन भी मैं आपको दिखा देता हूं, WPS हाइट इस तरह से आपका ये है टेबल, क्या WPS हाइट ये वाला प्लगइन है, ठीक है। टेबल प्रेस और इजी टेबल ऑफ कंटेंट भी मैं आपको दिखा देता हूं, टेबल प्रेस आपको सिंपल या सर्च करना है टेबल प्रेस, इसके बाद आपको यहाँ पे टेबल प्रेस का बहुत फेमस सा ये प्लगइन दिख जाएगा। इसके बाद अगर आपको इजी टेबल ऑफ कंटेंट देखना है, टेबल ऑफ कंटेंट आपको बस सिंपली यहाँ पे सर्च कर देना है, इजी टेबल ऑफ कंटेंट आपसे बहुत फेमस प्लगइन, बहुत ही ज्यादा फेमस प्लगइन आपको ये दिख जाएगा। इस सब के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो, आप उनको देख लीजिए, अभी मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कौन कौन से प्लगइन था यूज करना है, ठीक है। इसके बाद आता है वेब पुश नोटिफिकेशन क्या है, जैसे कि आप चाहते हो आप जब भी कोई ब्लॉग को पब्लिश करो, ठीक है, उसकी नोटिफिकेशन चली जाए जिन्होंने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, अलाउ कर रखा है या सब्सक्राइब कर रखा हो, लाइक फॉर एग्जांपल YouTube का बेल आइकन क्या होता है, जब भी कोई बंदा YouTube के बेल आइकन पे क्लिक कर देता है तो उस चैनल के रिलेटेड जब भी कोई बंदा उस चैनल पे वीडियो डालता है तो उसके पास क्या आ जाती है, नोटिफिकेशन आ जाती है। सेम उसी तरह से वेब पुश नोटिफिकेशन क्या करेगा, वेब पुश नोटिफिकेशन आप बहुत सारी वेबसाइटों में देखा होगा, प्लीज अलाउ दिस साइट टू गेट नोटिफाई, आपने देखा होगा कि अलाउ करो, कि अलाउ करने से होगा क्या, आपको भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिलते रहेगी कि अगर कोई वेबसाइट पे वो कोई ब्लॉग पब्लिश करता है उसके बारे में क्या मिलेगी, जो ऑलरेडी यूजर्स है जिन्होंने अलाउ करके रखा हुआ है आप रिटेन कर सकते हो, इसे रिटेन कर सकते हो यूजर्स को, ठीक है, यूजर्स को आप रिटेन कर सकते हो वेब पुश नोटिफिकेशन के थ्रू। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वो प्लगइन है, आपको सिंपल यहाँ पे सर्च करना है, क्या वन सिग्नल नाम से वेब पुश नोटिफिकेशन का प्लगइन आता है, वेब वन सिग्नल नाम से,
सिग्नल नाम से बहुत बढ़िया फेमस प्लगइन आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वन सिग्नल वेब पुश नोटिफिकेशन क्या आता है, वन वेब या सिंपली आप सर्च करो वेब पुश नोटिफिकेशन, ठीक है। आप जैसे ही वेब पुश सर्च करते हो आपको यहाँ पे वन सिग्नल का वेब पुश नोटिफिकेशन प्लगइन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इसको भी आप इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर कर लीजिए। इसके बाद अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्लगइन्स की लिस्ट में हमारे पास कौन सा आता है, योस्ट या रैंक मैथ। अगर आपको एसईओ करना है, वर्डप्रेस का एसईओ करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आपके लिए ध्यान में होनी चाहिए, आपको कोई एसईओ प्लगइन का यूज करना है, क्या यूज करना है आपको, एसईओ प्लगइन का यूज करना है। एसईओ प्लगइन ऐसे नहीं होगा भाई एसईओ की एक्टिविटी अपने आप कर देगा, अपने आप कोई भी चीज नहीं करेगा, आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा, बट बहुत सारा काम आपके वर्डप्रेस वेबसाइट पे आसान कर देता है। वर्डप्रेस वेबसाइट पे कौन आसान कर देता है आपका, योस्ट एंड रैंक मैथ। आपको कोई भी एक प्लगइन का यूज करो, चाहे योस्ट का यूज करो, ये आपका योस्ट, ठीक है, चाहे आप रैंक मैथ का यूज करो, रैंक मैथ, ठीक है। रैंक मैथ पे भी बहुत बढ़िया क्या है, रैंक मैथ भी बहुत बढ़िया एसईओ प्लगइन है, ठीक है। आजकल के जितने भी ब्लॉगर्स है वो बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं रैंक मैथ की तरफ, बट पुराने जो भी एसईओ एक्सपर्ट है वो किस पे रिलाई कर रहे हैं, आज भी योस्ट पे रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है रीडायरेक्शन एंड कैशे प्लगइन एंड इमेज ऑप्टिमाइजर। रीडायरेक्शन प्लगइन क्या है, मान लीजिए आपके वेबसाइट का कोई पेज क्या चला गया, 404 चला गया, कोई वेबसाइट का पेज क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, बहुत बढ़िया बात है, डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल के इंडेक्सिंग से हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रीडायरेक्ट कर दो, क्या रीडायरेक्ट कर दो कि भाई जब भी कोई बंदा keshavdimri.com/a पे जाए, ये पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाए, किस पे आपका ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाए, /b पे रीडायरेक्ट हो जाए, क्या आपको इसके लिए रीडायरेक्टर सेटअप करना पड़ेगा। कैसे होगा सेटअप, 301 302 की मदद से, कैसे होगा इसके लिए रीडायरेक्शन प्लगइन आता है 301, इसके लिए परफेक्ट रहता है, परमानेंट रीडायरेक्शन है, क्योंकि ये ताकि इसका सारा एसईओ का जूस ट्रांसफर हो जाए, इस पे ट्रांसफर हो जाए। कैसे करोगे, वर्डप्रेस में बहुत सिंपल स्टेप में ये हो जाता है, रीडायरेक्शन 301 के नाम से प्लगइन है, रीडायरेक्शन का एक सिंपल सा प्लगइन है। यहाँ पे जाके आपको सर्च क्या करना है, रीडायरेक्शन आपको सर्च करना है। जैसे ही आप रीडायरेक्शन सर्च कर देते हो आपको 301 रीडायरेक्शन का बहुत फेमस प्लगइन मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके परफॉर्मेंस प्लगइन। परफॉर्मेंस प्लगइन में बहुत सारे प्लगइन आते हैं, बट मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ लाइट स्पीड कैशे या WP ऑप्टिमाइज, दोनों में से किसी एक ही प्लगइन को यूज करना। लाइट स्पीड कैशे, क्या लाइट स्पीड कैशे, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, लाइट स्पीड कैशे। जैसे ही आप लाइट स्पीड कैशे करोगे, ये देखो अगर आपकी क्या है होस्टिंगर की वेब होस्टिंग है, क्या होस्टिंग है, होस्टिंगर की वेब होस्टिंग है, तो लाइट स्पीड कैशे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा जब भी आपने वर्डप्रेस को डाला होगा, ठीक है। तो लाइट स्पीड कैशे आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपकी होस्टिंगर की होस्टिंग है, या फिर लाइट स्पीड कैशे वैसे भी बहुत बढ़िया यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा WP ऑप्टिमाइज, दोनों में से किसी एक को यूज करना है। किसके लिए यूज होता है ये, कैशिंग बिलिफिकेशन, किसके लिए यूज होता है, कैशिंग बिलिफिकेशन, ठीक है, इन सब के लिए इस प्लगइन का यूज होता है, कैशिंग बिलिफिकेशन, और भी बहुत सारे यूज होते हैं, आप देखोगे इसके बारे में पता चल जाएगा, इसके बारे में भी दोनों प्लगइन के बारे में डिटेल में वीडियो, ठीक है, बट दोनों में से एक को यूज करना, चाहे WP ऑप्टिमाइज चाहे लाइट स्पीड कैशे। लास्ट इंपोर्टेंट है स्मश, आपका स्मश क्या है, इमेज ऑप्टिमाइजर प्लगइन है। स्मश क्या है, स्मश आपका है इमेज ऑप्टिमाइजर प्लगइन, और भी होता है, रीस्मश भी होता है, बट स्मश बहुत बढ़िया होता है इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए। आपकी बल्कियर इमेज होती है, बल्कियर मानने की बहुत बल्कियर होती है, मान लो कि बहुत MBs में है, इसको कम करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए आपको स्मश का यूज करना चाहिए, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्लगइन है, जो कि आपके ब्लॉग वेबसाइट पे होने ही चाहिए। इसके अलावा भी बहुत प्लगइन है, बट ये तो आपको रखने ही चाहिए, जिससे आप वर्डप्रेस वेबसाइट को सेफ एंड सिक्योर रख सकते हो। एक और प्लगइन के बारे में अगर आपको मैं बताना चाहूं, वो है वर्डफेस। क्या है, वर्डफेस, ठीक है। वर्डफेस अब पूरा ही प्रीमियम हो चुका है, बट आपको वर्डफेस अगर आप प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हो आप कीजिए। वर्डफेस क्या आपके वेबसाइट की सिक्योरिटी को बढ़ाएगा, देख लो वर्डफेस, क्या वर्डफेस, आपको सिंपली यहाँ सर्च करना वर्डफेस, जैसे ही आप सर्च कर देते हो आपको यहाँ पे प्लगइन दिख जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सारे प्लगइन से आप एक अच्छी सी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाइए, उसका एसईओ कीजिए, सब कुछ कीजिए, एंड देन वो अच्छी तरह से रैंक भी होगा। तो इतने सारे प्लगइन का आपको यूज करना है, जो कि अच्छे एसईओ के लिए, अच्छी वेबसाइट के लिए आपका होना ही चाहिए, ठीक है, होना ही चाहिए।
ठीक है। इसके अलावा कई और भी आप प्लगइन का यूज कर सकते हो, बट ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, ठीक है।